वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन, आई एम गौरव गुप्ता और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.4, बिकॉज वी ऑलरेडी सॉल्व द एक्सरसाइज 1.1, 2 एंड 3 इन माई प्रीवियस वन लेक्चर. सो आई होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर. सो प्लीज लुक एट द बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. इट मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, यूनियन. तो आपको पता है कि यूनियन इज व्हाट, यूनियन मीन्स ऑल. तो आपको एक ऐसा सेट बनाना है जिस सेट में सभी सेट के एलिमेंट्स इंक्लूड हो, तो उस सेट को क्या कहेंगे हम, यूनियन. और यूनियन को हम किससे डिनोट करते हैं, यू लेटर से. तो आप यहां देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपको सेट एक्स दिया गया है 1, 3 एंड 5. सेट y दिया गया है 1, 2 एंड 3. तो आपको फाइंड आउट करना है यूनियन. इसका मतलब x यूनियन y, ये आपको लिखना है. तो इस सेट में हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो a x में भी होंगे और y में भी होंगे. अब x में एलिमेंट्स क्या है, 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 5. अब यहां देखिए 1, 3, 5 x के एलिमेंट्स इंक्लूड हो गए. अब y के एलिमेंट चेक करिए, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, यस. दोनों के एलिमेंट्स हमारे किस सेट में आ गए, इस सेट में. तो इस सेट को हम क्या कहेंगे, यूनियन ऑफ x सेट और y सेट का. नाउ द सेकंड पार्ट इज व्हाट, a सेट आपको ये दिया गया है और b सेट ये दिया गया है. अगेन आपको यूनियन फाइंड आउट करना है. इसका मतलब a यूनियन b. तो सभी के एलिमेंट्स लिख लीजिए. यहां पर क्या है, ए बी सी, ए बी सी. उसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या है, ई आई ओ यू. मैंने इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है, लेकिन आपको पता है सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो ऑर्डर होता है वो इमेटेरियल होता है. क्या आप उसको अरेंज कर सकते हो, उसका ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, बट द एलिमेंट्स शुड बी सेम. तो ऑर्डर इसमें इमेटेरियल होता है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती. यदि मैं ए बी सी को बाद में लिख देता तो भी इसका मीनिंग क्या रहता, सेम. तो ए यूनियन बी क्या आ गया, ए बी सी. देखो बी सेट के एलिमेंट्स इंक्लूड हो गए. अब ए सेट के एलिमेंट देखो, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू. तो इसका मतलब इस सेट में ए और बी के सभी एलिमेंट्स इंक्लूड हो गए. तो ये हमारा क्या बन गया, ए यूनियन बी. थर्ड पार्ट देखिए, ए इज अ सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर. एक तो एक्स जो अभी आपको चूज करोगे वो नेचुरल नंबर होना जरूरी है. एंड सेकेंड कंडीशन और भी है, सेकेंड कंडीशन क्या है, शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3. अब आपको पता है कोई नेचुरल नंबर है और जो मल्टीपल ऑफ 3 भी है, तो 3 के टेबल स्टार्ट कर दो. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड सो ऑन. इसका मतलब ये एक सेट है और ये सेट कौन सा हो गया आपका, इनफाइनाइट सेट, बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट इन नंबर्स. नाउ द बी सेट इज ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज द नेचुरल नंबर लेस देन 6. तो आपको पता है नेचुरल नंबर जो लेस देन 6 होता है, और नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 1 से. तो ये क्या बन गया, 1, 2, 3, 4, 5. 6 काउंट नहीं होगा क्योंकि लेस देन कहां क्या आ गया, 6. अब आपको क्या लिखना है, इनका यूनियन. अब यूनियन क्या होगा इनका, ए यूनियन बी इज इक्वल टू व्हाट. अब देखो इसमें ये एलिमेंट भी आने चाहिए और ये एलिमेंट भी इंक्लूड होने चाहिए. तो अब मिनिमम नंबर हमारा क्या इसमें, 1 है, फिर 2 है, फिर 3. 3 इंक्लूड हो गया इसमें, यस. उसके बाद 4, उसके बाद 5, और क्या आ गया, 6, 9. क्या मैं इसको यहां से 3 को रिप्लेस कर देता हूं. अब ये क्या बन गया, 1, 2, 4, 5. अब ये नंबर इंक्लूड करने हैं तो और लिख देता हूं, और मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3. अब मैंने ऐसे क्यों लिखा, इसको डॉट डॉट करके क्यों लिखा, क्योंकि आप देखिए ये 1, 2, 4, 5, यदि मैं डॉट डॉट करूंगा तो ये सीक्वेंस फॉलो होगी, जबकि आपको एलिमेंट्स इंक्लूड करने हैं 1b, 2b, 4b, 5b. एंड
ये सारे एलिमेंट और ये सारे क्या है, मल्टीपल ऑफ थ्री है, इसलिए मैंने क्या लिखा 1, 2, 4 तो डायरेक्टली ऐड कर दिया 1, 2, 4, 5 और जो 3 के मल्टीपल थे इसको लिख दिया और मल्टीपल ऑफ 3, इसका मतलब ये एलिमेंट्स भी काउंट हो गए और ये एलिमेंट्स भी काउंट हो गए, तो टोटल एलिमेंट सभी काउंट हो गए ए एंड बी के, तो ये क्या बन गया आपका ए यूनियन बी। आई होप आपको समझ आया होगा, तो प्लीज टेक अ नोट। अब हमारा फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट करेंगे, तो इससे पहले आप प्लीज टेक अ नोट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड फोर्थ पार्ट। अब ए सेट आपको क्या दिया है ऑफ एलिमेंट एक्स, x is a natural number and number is what, 1 से greater but less or equal to 6, मतलब 1 से तो greater होना चाहिए और 6 हो सकता है और 6 से less हो सकता है, इसका मतलब हमारा a set क्या आ जाएगा इसमें, अब 1 से greater होना चाहिए तो कहां से start होगा, 2 से, 2, 3, 4, 5 and 6, क्योंकि यहां पर क्या है लेस बी है और इक्वल टू बी है। नाउ द बी सेट इज व्हाट, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 7, अब 6 से ग्रेटर तो 7 आ जाएगा, 8, 9 बट लेस देन 10, तो 10 इंक्लूड नहीं होगा तो ये 10, तो इसका मतलब ए यूनियन बी, ए और बी के सभी एलिमेंट लिख दो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये कौन सा पार्ट हो गया आपका फोर्थ पार्ट। अब देखिए फिफ्थ पार्ट, इसने कहा ए जो सेट है वो 1, 2, 3 है और जो बी सेट है वो एम्प्टी है और आपको पता है आपको निकालना है ए यूनियन बी, तो ए और बी के सभी एलिमेंट, ए के एलिमेंट्स क्या है 1, 2 और 3 और बी सेट के एलिमेंट ही नहीं है, एलिमेंट ही नहीं है तो ऐड ही नहीं होंगे, तो यही सेट आपका क्या बन जाएगा ए यूनियन बी। तो ये प्रॉपर्टी भी हो जाती है कि ए सेट का यदि यूनियन करते हो एम्प्टी सेट के साथ तो एम्प्टी का मतलब होता है नो एलिमेंट्स, तो यदि आप ए किसी भी सेट का यूनियन करते हो एम्प्टी सेट के साथ तो आपको क्या है वही सेट मिल जाता है, तो ये क्या है एक प्रॉपर्टी हो गई, किसकी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इसी टाइप से आप नोट करते जाइएगा डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियंस, मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको रीड करा दूंगा और आपको समझा दूंगा, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये फर्स्ट क्वेश्चन, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए सेट इज A एंड B आर द एलिमेंट्स एंड B सेट के एलिमेंट्स है A, B एंड C। तो आपसे इसको दो पार्ट में पूछा गया है, सबसे पहला पार्ट है इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, आपको पता है ये सिंबल किसका होता है सबसेट का। सेकंड में पूछा गया है व्हाट इज A यूनियन B, तो आपको दोनों के आंसर देने हैं। सबसे पहले तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन, फॉर A इज अ सबसेट ऑफ B, A इज अ सबसेट ऑफ B के लिए क्या होना चाहिए, इट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A शुड बी प्रेजेंट इन सेट B। तो ये कंडीशन होती है आपकी कि जो ए के एलिमेंट्स होंगे वो शुड बी प्रेजेंट होने चाहिए इन सेट बी, देन क्या कहोगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, कि जो एलिमेंट एक्स ए सेट से बिलोंग करते हैं इट शुड बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो मैथमेटिकली मैं ऐसे स्टेटमेंट भी लिख सकते हो और यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो। तो देखिए ए के एलिमेंट्स क्या है ए और बी, और बी के एलिमेंट क्या है ए बी सी, तो इट मींस क्या है इट सेटिस्फाई ये सेटिस्फाई करता है, सो हेंस ए इज अ सबसेट ऑफ बी।
इसलिए क्या है, ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। नाउ अब आपको निकालना है ए यूनियन बी। अब ए के एलिमेंट्स क्या है, ए और बी, और बी के एलिमेंट क्या है, ए बी एंड सी। तो ए बी तो ऑलरेडी आ गया, सी, क्योंकि आपको ये पता है कि जो सेट में ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स या एलिमेंट्स नेवर बी रिपीटेड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ए बी लिखा और फिर इसके एलिमेंट्स ए बी सी लिखा तो ए बी तो दो बार आ जाएगा। नो, जो सेट में एलिमेंट्स होते हैं वो नेवर बी रिपीट नहीं होते। दो प्रॉपर्टी होती है ना, तो एलिमेंट्स रिपीट होते हैं, और सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती थी कि उनका ऑर्डर जो होता है वो इमेटेरियल होता है। तो दोनों प्रॉपर्टी आपको माइंड में सेट करके चलना है। तो इसका मतलब आप देखिए, ए के एलिमेंट्स ए बी से इंक्लूड हो गए, बी सेट के एलिमेंट्स क्या है ए बी सी, वो ए बी सी भी इंक्लूड हो गए। तो इसका क्या मतलब है, ये हमारा ए बी सी क्या बन गया, वैसे देखा जाए तो ए बी सी तो ये सेट बी बन गया, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, बी। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी और भी आ गई आपकी, तो याद रखिए ये प्रॉपर्टी बनती जाएगी आपकी धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन प्रूव किए आएंगे। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इट इंप्लाइज ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आएगा, बी। इसी टाइप से सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए देन ए यूनियन बी इज व्हाट क्या आ जाएगा, ए। तो इनको प्रॉपर्टी को भी आप नोट कर लीजिए कि यदि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका क्या मतलब है, ए के सभी एलिमेंट बी में है तो उनका यूनियन करोगे तो बी में तो आंसर क्या आएगा आपका, बी आएगा। इसी टाइप से यदि बी ए का सबसेट बन जाए तो इसका मतलब ए के पास बी के भी एलिमेंट है तो आपका यूनियन क्या आएगा, ए ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी बन गई। इस टाइप से वन बाई वन इसको एक अलग से नोट करते जाइए। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर थ्री। इफ ए एंड बी आर द टू सेट सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी। अगेन ये तो प्रीवियस क्वेश्चन ही नहीं हो गया कि यदि ए बी का सबसेट है देन व्हाट विल बी दी, ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू बी। बिकॉज किस लिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी। तो ये सिंपल प्रॉपर्टी थी जो अभी हमने लिखी। तो आप देखिए इसी के लिए बिल्कुल सेम टू सेम जो मैंने स्टेटमेंट पिछले क्वेश्चन में लिखवाई थी, आप वो स्टेटमेंट भी लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इफ ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, सी सेट गिवन है, डी सेट गिवन है, और आपसे कहा फाइंड द फॉलोइंग, इनको फाइंड आउट करना है। सबसे पहला ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब ए के भी एलिमेंट्स लिखने हैं और बी के भी एलिमेंट्स। स्टार्ट करते हैं ए से, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। बी सेट के एलिमेंट थ्री फोर ऑलरेडी आ चुके हैं, फाइव और सिक्स रह गए, फाइव एंड सिक्स, क्योंकि आपको रिपीट नहीं करना एलिमेंट को। अब आपको निकालना है ए यूनियन सी, ए के एलिमेंट्स वन टू थ्री फोर, अब सी के एलिमेंट फाइव सिक्स सेवन एट, फाइव सिक्स सेवन एट, ये ए यूनियन सी हो गया। अब बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी के एलिमेंट क्या है, थ्री फोर फाइव सिक्स, और सी के एलिमेंट फाइव सिक्स, तो ये ऑलरेडी आ चुके, सेवन एट रह गया, सेवन एट। नाउ बी यूनियन डी, बी के एलिमेंट्स क्या है, थ्री फोर फाइव सिक्स, थ्री फोर फाइव सिक्स, और डी के एलिमेंट्स सेवन एट नाइन टेन, सेवन एट नाइन टेन, ये क्या आ गया आपका, बी यूनियन डी। अब आपको निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ए के भी एलिमेंट, बी के भी एलिमेंट और सी के भी एलिमेंट। तो पहले ए के एलिमेंट लिख लो, वन टू थ्री फोर। अब बी के एलिमेंट, बी के एलिमेंट में थ्री फोर तो ऑलरेडी आ चुके, तो क्या रह गया, फाइव सिक्स। अब सी के एलिमेंट, सी के एलिमेंट ये फाइव सिक्स ऑलरेडी आ चुका, क्या रह गया, सेवन एट, तो सेवन और एट,
ये क्या आ गया आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आपको करना है ए यूनियन बी यूनियन डी, तो ए के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, बी के एलिमेंट 3, 4, 5, 6, 3, 4 आ चुके हैं तो क्या रह गया 5, 6। अब डी के एलिमेंट, डी के एलिमेंट क्या है 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 ये आ गया। अब बी यूनियन सी यूनियन डी, तो पहले बी के एलिमेंट लिखिए, बी के एलिमेंट क्या है 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6। उसके बाद सी के एलिमेंट, सी में देखो 5, 6, 7, 8, 5, 6 ऑलरेडी आ चुका तो क्या आ जाएगा 7, 8। अब डी, डी के एलिमेंट 7, 8, 9, 10, 7, 8 आ चुका है तो क्या आ गया 9 और 10। इट्स वेरी सिंपल। सिर्फ यूनियन का मतलब क्या होता है, आपको एक ऐसा सेट बनाना होता है जिसमें सभी सेट के एलिमेंट्स आप उसमें लिख सको, तो वो सेट क्या बन जाएगा आपका यूनियन। तो इट्स वेरी इजी, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरसेक्शन। अब आपको फाइंड आउट करना है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। इसका मतलब अब आपको पहले डिनोट किससे करते हैं इंटरसेक्शन को, यूनियन को, यू से करते हैं, तो इसको अपोजिट कर दो। तो इसको अपोजिट किया तो क्या बन गया ये, इस सिंबल को क्या कहते हैं हम, इंटरसेक्शन। तो इसका क्या नाम होता है, कॉमन। तो ये आपको कहा, क्या कहा गया, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को लिख लिया है, एक पार्ट फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड पार्ट ये था, थर्ड पार्ट को मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, फोर्थ पार्ट ये रहा और फिफ्थ पार्ट ये रहा। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन एलिमेंट। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसका मतलब वो एलिमेंट जो एक्स में भी एग्जिस्ट करते हैं और वाई में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए 1 एक्स में भी है और वाई में भी है, 3 एक्स में भी है और वाई में भी है, 5 इसमें एक्स में है बट इसमें नहीं है, इसका मतलब और कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये क्या आ गया आपका, इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे क्या निकलेगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी। चेक करते हैं, ए इसमें है, इसमें भी है, यस। ई नो, आई नो, ओ नो, यू नो, इसका मतलब और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो सिंगल एलिमेंट आ गया ये। थर्ड सेट, यहाँ देखिए 3, 6, 9 मल्टीपल ऑफ 3 है ये, और यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ सिंगल एक 3 एलिमेंट कॉमन है। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ गया, 3 के। नाउ लुक एट दिस बोर्ड, यहाँ ए सेट में एलिमेंट्स है 2, 3, 4, 5, 6 और बी सेट में है 7, 8, 9, क्या दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है, नो। तो इसका मतलब ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी है, और एम्प्टी को आप क्या लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। नाउ ए सेट 1, 2, 3 और बी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो एलिमेंट ही नहीं है तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, कोई कॉमन नहीं आएगा। इसका मतलब अगेन ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, एम्प्टी या 5। तो दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 5, इट्स वेरी इजी। तो फर्स्टली हमने स्टडी किया अबाउट द यूनियन, और नाउ वी डिस्कस द इंटरसेक्शन। यूनियन मीन्स ऑल एंड इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 6, आपको 4 सेट गिवन है ए बी सी डी और आपको फॉलोइंग पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं। इट्स वेरी इजी, बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट 6 लिखे हैं, फिर नेक्स्ट के लिखता हूँ। सबसे पहले है आपका देखो ए इंटरसेक्शन बी, आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स। तो क्या कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे ए और बी में, क्या 3 इसमें प्रेजेंट है, नो, 5 प्रेजेंट है, नो, 7 प्रेजेंट है, यस, 9 प्रेजेंट है, यस, 11 प्रेजेंट है, यस, और तो कोई नहीं है, तो आंसर आ गया ये। अब बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में देखिए, बी और सी, क्या 7 है इसमें, नो, क्या 9 है इसमें, नो, क्या 11 है, यस, क्या 13 है, यस। तो ये क्या आ गया, बी और सी का इंटरसेक्शन आ गया। अब देखिए ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी,
तो यहाँ आपको क्या अप्लाई करना होगा, एसोसिएट ऑपरेशन। एसोसिएटिव ऑपरेशन क्या होता है, पहले आप किसी पर्टिकुलर दो पे अप्लाई करेंगे, फिर किस पर अप्लाई करेंगे, थ्री पर। या आप डायरेक्टली क्या देख सकते हो कि जो एलिमेंट्स ए में भी और सी में भी और डी में भी कॉमन हो, तो पहले ए एलिमेंट चेक करते हैं, थ्री। क्या ये सी में प्रेजेंट है? नो, नहीं आ सकता। अब फाइव की बात करते हैं, क्या ये सी में प्रेजेंट है? नो, तो नहीं आ सकता। क्या ये सेवन, क्या इसमें प्रेजेंट है? नो। क्या नाइन सी में प्रेजेंट है? नो। क्या इलेवन सी में प्रेजेंट है? यस, सी में तो है। आप किसके बाद क्या देखेंगे, क्या वो डी में भी है? डी में इलेवन, नो। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, एम्प्टी। लेकिन आप इसको ऐसे सोल्व मत कीजिएगा, सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, यहाँ हम ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ एसोसिएटिव ऑपरेशन अप्लाई करिए। सबसे पहले ए और सी में इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। ए और सी में इंटरसेक्शन क्या आएगा, ओनली कॉमन एलिमेंट क्या है, 11। और डी सेट में एलिमेंट क्या है, 15 और 17। क्या कोई कॉमन एलिमेंट है? नो, इसका मतलब क्या आ गया, एम्प्टी। अब देखिए ए और सी में इंटरसेक्शन, ए और सी में इंटरसेक्शन अभी करा, क्या आंसर आया, 11। अब बी और डी में इंटरसेक्शन, बी और डी में 15 क्या इसमें है? नो। क्या 17 इसमें है? नो। तो ये भी क्या आ गया, एम्प्टी या 5। अब यहां देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो सबसे पहले देखो आप क्या निकालोगे इसमें, मैं लिख देता हूं पहले ए सेट। ए सेट आपका क्या है, 3, 5, 7, 9, 11। अब इंटरसेक्शन करना है आपको किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो इससे पहले आप क्या निकाल लो, बी यूनियन सी। अब बी और सी के एलिमेंट्स, तो बी में क्या है, 7, 9, 11, 13, और सी में 11, 13, 15, तो ये 15 और आ गया। तो ये क्या है आपका, बी यूनियन सी। तो मैं लिख लेता हूँ 7, 9, 11, 13 और 15। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, कॉमन क्या है, 7 भी है, 9 भी है और 11 भी है, तो आंसर कितना आ गया, 7, 9, 11, ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन मोस्टली आपसे 1 मार्क्स का ही पूछेगा, तो इसमें वे ऑफ अटेम्प्टिंग इतना नहीं देखा जाता, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो आप इसमें इस टाइप से कोई पार्ट आ जाए तो पहले उसको अलग से सोल्व कर लीजिए, फिर इस टाइप से आप इसको दिखा के आंसर लिख सकते हो। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, आपका वही क्वेश्चन है। अब सेवन्थ पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, ए इंटरसेक्शन डी, ए सेट ये रहा और डी ये रहा, क्या इनमें कोई कॉमन एलिमेंट दिखाई दे रहा है आपको? नो। तो रिजल्ट क्या आ गया, 5। अब इसको देखिए ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, इसका मतलब सबसे पहले आप ए सेट लिखेंगे, ए सेट आपका क्या आएगा, 3, 5, 7, 9, 11। उसके बाद इंटरसेक्शन क्या करना है, बी यूनियन डी, तो बी और डी के का यूनियन निकाल लीजिए, बी यूनियन डी, क्या आ जाएगा, बी 7, 9, 11, 13, और डी में एलिमेंट क्या है, 15 और 17। तो यहाँ पुट कर दीजिए 7, 9, 11, 13, 15, 17। अब दोनों में कॉमन देखिए, 3, 5 नहीं है, 7, 7 है, 9 भी है और 11 भी है, इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 7, 9, 11, दैट इज़ द आंसर। अब यहाँ देखिए इस पार्ट में 9th, ए इंटरसेक्शन बी, तो सबसे पहले देखो ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन 7 है, 9 है और 11 है, तो ये हो गया 7, 9, 11। उसके बाद इंटरसेक्शन, हमने इंटरसेक्शन किया। अब बी यूनियन सी, अब देखो बी और सी का यूनियन करना है यहाँ पर, तो बी ये रहा, बी में क्या है आपका 7, 9, 11, 13, और यूनियन करना है सी के साथ, सी में क्या है 11 ऑलरेडी है, 13 भी ऑलरेडी है, 15 नहीं है,
अब दोनों का क्या करना है, बीच में इंटरसेक्शन कॉमन, तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 7 9 11 7 9 11, तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आ गया, 7 9 11, दैट इज योर आंसर। अब आप इसको देखिए, ए यूनियन डी, तो मैं यहाँ कर देता हूँ इसी को सोल्व, ए यूनियन डी, ए और डी का यूनियन करिए, ए के एलिमेंट है 3 5 7 9 11 और डी के एलिमेंट है 15 और 17 15 और 17, इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन डी। अब बी के एलिमेंट क्या है, 7 9 11 13 और डी के एलिमेंट 15 और 17 15 और 17। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट देखिए, 7 9 11 7 9 11 और 15 17, इसका मतलब आंसर आ जाएगा आपका 7 9 11 15 और 17, दिस वन इज योर आंसर। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, प्लीज टू करेक्ट। यहाँ पर लास्ट पार्ट में ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन डी नहीं है, यहाँ पर है बी यूनियन सी, इसको चेंज कर लीजिए बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी चेंज करेंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा आपका, यहाँ पे एक बार तो आपको करना है बी के एलिमेंट, बी के एलिमेंट क्या है 7 9 11 15 और सी के एलिमेंट 11 13 और 15 ऑलरेडी आ चुका, सॉरी क्या कर दिया, दोबारा लिखिए एक बार, बी के एलिमेंट क्या है आपके 7 9 11 और 13 और सी के एलिमेंट 11 13 15, 11 और 13 ऑलरेडी आ गया, ये क्या आ जाएगा 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है तो कॉमन एलिमेंट क्या आ जाएंगे, 7 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 11 भी है और 15 भी है, तो 7 9 11 15 ये आंसर आएगा, इसमें 17 नहीं आएगा, तो प्लीज डू करेक्ट दिस। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए इज अ सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, इसका मतलब है सबसे पहले ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर देता हूँ, तो मेरा ए जो सेट आएगा वो सेट क्या है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे ही करते करते एंड सो ऑन। बी अनदर सेट है ऑफ एलिमेंट एक्स एंड एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, आपको पता है इवन नेचुरल नंबर कौन सा है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। नाउ सी सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड क्या होता है 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। डी इज अनदर सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज एन प्राइम नंबर, और मिनिमम प्राइम नंबर क्या होता है 2 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। All sets are infinite in number, so these all sets are called infinite sets. तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपको A और B में इंटरसेक्शन बताना है, A और B, देखिए ध्यान से, A और B में इंटरसेक्शन कॉमन क्या है, 2 4 6 8 सारे के सारे प्रेजेंट है, लेकिन ये 1 इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब जितने एलिमेंट्स B के है वो सारे एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट है, A में प्रेजेंट है, तो आप इसको क्या लिखोगे, इसके कॉमन क्या आ गए 2 4 6 8 एंड सो ऑन, और ये एलिमेंट बेसिकली है क्या चीज, ये तो बी सेट है, इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा, बी सेट, तो ए इंटरसेक्शन बी यहां पर क्या आ गया, बी, और आप ये भी कह सकते हो बी जो है वो एक सबसेट है ऑफ किसका, ए सेट का, क्योंकि बी के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट है, ए में। नेक्स्ट वन इज ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में देखो कॉमन क्या है, अब इसमें देखो 1 इसमें प्रेजेंट है, 3 इसमें प्रेजेंट है, 5 इसमें प्रेजेंट होगा, इसका मतलब सारे के सारे ओड नंबर्स नेचुरल नंबर में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये भी कह सकते हो सी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो आपका आंसर क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, ओड नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर में इवन भी होते हैं और ओड भी होते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ओड 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, और ये सेट है क्या आपका, सी सेट है। नाउ ए इंटरसेक्शन डी,
इस सेट में और इस सेट में कॉमन क्या है? देखो इसमें वन है, इसमें वन नहीं है, इसमें टू है, इसमें है, इसका मतलब 2, 3, 5, 7, 11 प्राइम नंबर ही मिलेंगे आपको। तो 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट, तो ये सेट आपको क्या है? प्राइम नंबर वाला सेट डी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। अब देखो बी इंटरसेक्शन सी, बी में और सी में कॉमन क्या है? ये इवन नंबर है और ये ओड नंबर है। इवन नंबर और ओड नंबर बोथ आर डिफरेंट नंबर, तो इनमें कोई कॉमन ही नहीं होगा। इसका मतलब बी इंटरसेक्शन सी क्या आ गया? एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब क्या है? उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। नाउ बी इंटरसेक्शन डी, बी में और डी में देखो ये सारे के सारे इवन नंबर है और ये सारे प्राइम नंबर है, तो ओनली एक ही ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर होता है, वो कौन सा है? टू, और कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब बी और डी में कॉमन क्या आ गया? ओनली टू। अब देखिए सी एंड डी में इंटरसेक्शन, सी और डी में इंटरसेक्शन, सी आपका ऑड नंबर है और डी आपका क्या है? प्राइम नंबर। इसका मतलब जो डी सेट आएगा वो सारे के सारे प्राइम नंबर आएगा, सिर्फ क्या नहीं आएगा? टू, क्योंकि जितने भी आप रिमेनिंग प्राइम नंबर है वो सारे के सारे क्या है? ऑड है। तो आप इसको क्या लिखोगे? इसको लिख सकते हो ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, ये आपका एक प्राइम नंबर है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? टू को छोड़ के। तो चेक करते हैं किस फॉर्मेट में आंसर है इसका। यस, और इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो जो बुक्स में लिखा हुआ है, एक्स इज एन ओड प्राइम नंबर। अब ओड प्राइम नंबर आपको पता है सिर्फ एक ही क्या होता है? इवन प्राइम नंबर होता है, वो हटा दो तो सारे के सारे क्या होते हैं? ओड नंबर। तो ये एक सेट हो गया किसका? ओड प्राइम नंबर का, ऐसे भी लिख सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स? डिसजॉइंट का मतलब डिस और जॉइंट, जॉइंट का मतलब जॉइंट ना हो, इसका मतलब कोई ऐसे सेट जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, तो उन सेट्स को कहा जाता है डिसजॉइंट सेट्स। इसका मतलब यहाँ पर आपको करना क्या है? जस्ट फाइंड आउट द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, और यदि आपका आंसर क्या आ जाता है? एम्प्टी सेट, नल सेट, तो इसका मतलब वो सेट्स क्या है आपके? डिसजॉइंट सेट्स। तो कंडीशन लिख लीजिए यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ये इसकी कंडीशन होती है डिसजॉइंट सेट की। इसका मतलब आप सभी में क्या करोगे? कॉमन एलिमेंट्स निकालोगे। तो सबसे पहले हम करते हैं, ये सेट ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में है, इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये सेट हमारा क्या बन जाएगा? x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, और x की वैल्यू 4 या 4 से ग्रेटर होनी चाहिए, और लेस और इक्वल टू 6 होनी चाहिए। तो ये सेट हो जाएगा 4, 5, 6। तो हम इनका कॉमन निकालते हैं, देन ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है? यस, 4, दोनों में प्रेजेंट है 4, इट मींस ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू एम्प्टी, ये एम्प्टी नहीं है, तो इसलिए नॉट डिसजॉइंट, तो ये डिसजॉइंट सेट भी नहीं है। अब ये देखते हैं, अब इस सेट को हमने क्या मान लिया? ए, इस सेट को मान लेते हैं बी। अब फिर फाइंड आउट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, देन ए इंटरसेक्शन बी, ए क्या इसमें प्रेजेंट है? नो। ई, यस। आई, नो। ओ, नो। यू, नो। इसका मतलब ओनली ई प्रेजेंट है, तो इसका मतलब फिर वही सेम कंडीशन, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू एम्प्टी, तो ये भी क्या हो गया? नॉट डिसजॉइंट सेट, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। इसको भी रोस्टर फॉर्म में बना लेते हैं, लेट मान लेते हैं ये ए सेट हो गया हमारा, एक्स इज एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर क्या होता है? प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 8,
एंड सो ऑन। फिर एक्स इज एन ओड इंटीजर, बी सेट को मान लेते हैं हम ओड इंटीजर। ओड का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस सॉरी ओड, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फाइव एंड सो ऑन। अब ए इंटरसेक्शन बी देखिए, अब नेचुरली दिखाई दे रहा है ये इवन है और ये ओड है, देर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन इवन एंड ओड नंबर्स, इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी, तो यस इट इज डिसजॉइंट सेट। तो ये क्या आपका एक डिसजॉइंट सेट। तो बस ये सिंपल सी कंडीशन है, यदि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आता तो डिसजॉइंट, अदरवाइज क्या है वो नॉट अ डिसजॉइंट सेट। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। सो प्लीज टेक अ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए सेट आपको ये गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है एंड डी गिवन है, और आपको कहा फाइंड आउट करिए ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए, ए माइनस बी मीन्स क्या है, राइट द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट एक्सेप्ट कॉमन विद बी, मतलब आपको एलिमेंट्स ऑफ ए लिखने हैं बट वो एलिमेंट नहीं लिखने जो कॉमन किसके साथ है, बी के साथ। तो देखिए मैं लिखना स्टार्ट करता हूं यहां से, फर्स्ट पार्ट करते हैं, तो मैं ए के एलिमेंट लिखता हूं 3, तो चेक करूंगा कि क्या ये कॉमन है बी के साथ, 3 क्या इसमें प्रेजेंट है, नो, तो उसको लिख लूंगा। अब 6 चेक करूंगा, क्या 6 इसमें प्रेजेंट है, नो, लिख लेता हूं। 9 क्या इसमें प्रेजेंट है, नो, लिख लीजिए। 12 क्या इसमें प्रेजेंट है, यस, तो ये 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। 15 क्या इसमें प्रेजेंट है, नो, लिख लीजिए इसको। फिर 18 क्या इसमें प्रेजेंट है, नो, लिख लीजिए इसको। फिर 21 क्या इसमें प्रेजेंट है, नो, दैट्स इट। लिखने आपको ओनली एक ही एलिमेंट है जो फर्स्ट सेट होगा। अब देखिए यहां पर, अब क्या कहा गया आपको, ए माइनस सी, इसका मतलब अगेन आपको एलिमेंट किसके लिखने हैं, ए सेट के, बट जो कॉमन होंगे सी के साथ उसको कट कर देना है। तो ए के एलिमेंट 3 और सी चेक में चेक करो 3 है इसमें, नो, उसके बाद 6 यस है तो कट कर दो इसको। फिर 9, नो, फिर 12 इसमें है कट कर दिया। 15 नहीं है इसको लिख लिया। 18 आएगा, 18 भी नहीं है देखो, यस 18 भी आएगा। उसके बाद 21 भी नहीं है, ये भी एज इट इज आ गया। अब a माइनस डी, अब a के एलिमेंट स्टार्ट करते हैं और d से कंपैरिजन करेंगे, क्या 3 इसमें प्रेजेंट है, नो, क्या 6 इसमें प्रेजेंट है, नो, क्या 9 इसमें प्रेजेंट है, नो, क्या 12 इसमें है, नो, क्या 15 इसमें है, यस है कट कर दो इसको, क्या 18 इसमें है, नो, क्या 21 इसमें है, नो, दिस वन इज योर आंसर। अब यहां देखिए ध्यान से, अब यहां b माइनस a है, इसका मतलब अब b के एलिमेंट को हम कंपेयर किसके साथ करेंगे, a के साथ। तो आपको सबसे पहला सेट यहाँ पे क्या गिवन है, B, इसका मतलब एलिमेंट किसके लिखने हैं, B सेट के, और कॉमन जो A के साथ होंगे उसको कट कर देंगे। तो B के एलिमेंट क्या है, 4, क्या इस A में है, 9, लिख लो उसको। 8 क्या इसमें है, 9, लिख लो इसको। 12 इसमें है तो इसका मतलब इसको कट कर दो। 16 क्या इसमें है, 9। 20 क्या इसमें है, 9, इसका मतलब दिस वन इज द आंसर। अब उसके बाद देखिए सी माइनस ए, इसका मतलब सी के एलिमेंट लिखने हैं और ए के एलिमेंट के साथ जो कॉमन होंगे इसको कट कर देंगे। सी के एलिमेंट क्या है, 2, अब ए के एलिमेंट ये, क्या 2 इसमें है, नो, 4 क्या इसमें है, नो, 6 यस है कट कर दो इसको, 8 नो, इसके बाद 10 वो भी नहीं है, फिर 12 प्रेजेंट है कट कर दो, 14 क्या 14 है इसमें, नो, क्या 16 है इसमें, नो, ये आंसर आ गया। अब d माइनस a, इसका मतलब d के एलिमेंट लिखने हैं और कॉमन जो a के साथ होंगे इसको कट कर देंगे। d के एलिमेंट ये रहे 5, a के साथ कंपेयर करो, नहीं है,
लिख लो इसको, 10 क्या है इसमें, नहीं है, 15 क्या इसमें है, कट कर दो इसको, 20 क्या इसमें है, नहीं है, आंसर आ गया। अब ये बी माइनस सी, इसका मतलब बी के एलिमेंट और कट करने हैं विद कॉमन विद सी, बी के एलिमेंट 4 और सी से कंपेयर करो, 4 इसमें प्रेजेंट है, कट कर दिया, 8 इसमें प्रेजेंट है, कट कर दो, 12 इसमें प्रेजेंट है, यस, 16 इसमें प्रेजेंट है, यस, अब 20 क्या इसमें प्रेजेंट है, नो, तो ओनली क्या आ गया 20। आई होप आपको इस सेट को क्या कहते हैं, डिफरेंस ऑफ अ सेट। तो दोबारा से बता रहा हूँ, ए माइनस बी का मतलब होता है आपको ए के एलिमेंट लिखने हैं और जो कॉमन विद बी होंगे उसको कट कर देना है, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए का जो सेट होगा वो उसका आपका क्या आएगा, डिफरेंस सेट। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 के जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, बी माइनस टी, सी माइनस ए, ये निकालना है आपको बिल्कुल सेम टू सेम। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ एक्स सेट आपको ये गिवन है, वाई सेट ये गिवन है, आपको ये फाइंड आउट करना है, अगेन वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्या कहा गया, एक्स माइनस वाई, इट मीन्स आपको एलिमेंट किसके लिखने हैं, एक्स सेट के, लेकिन उन एलिमेंट्स को कट कर देना है जो वाई के साथ क्या है, कॉमन है। तो हम एक्स सेट को लिखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट हम ए लिखेंगे, क्या ये कॉमन है, नो, तो लिख लेंगे इसको। अब बी क्या कॉमन है, यस, तो इसको कट कर दें। उसके बाद सी, क्या इसमें सी प्रेजेंट है, नो, इसको लिख लो। डी क्या इसमें प्रेजेंट है, यस, तो इसको कट कर दो। तो आपका सेट क्या आ गया, ए माइनस सी, सॉरी ए कॉमा सी। अब क्या करना है आपको, y माइनस एक्स, इसका मतलब एलिमेंट्स ऑफ y लिखने हैं और उसको कट कर देना है जो यदि कॉमन आ जाए किस सेट के साथ, x सेट के साथ। तो y का एलिमेंट है f, क्या इसमें प्रेजेंट है, नो, इसको लिख लो। उसके बाद b क्या इसमें प्रेजेंट है, यस, तो इसको कट कर दो। d क्या इसमें प्रेजेंट है, यस, कट कर दो। g क्या इसमें प्रेजेंट है, नो, इसको लिख लो। अब ये क्या साइन होता है, कॉमन, तो इसका मतलब इनके कॉमन एलिमेंट क्या है, एक तो b है और एक डी है, तो आपका आंसर क्या आ गया, बी और डी, दिस वन इज द आंसर। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 11, इफ आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, एक सेट है आर जो रियल नंबर का सेट है, एक सेट है क्यू इज सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो आपको ये पता लगाना है कि r माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या होगा। इट्स वेरी इजी, देखिए r जो है ये क्या है हमारा, एक सेट है ऑफ रियल नंबर्स। तो आपको पता है रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है, रियल नंबर्स मींस कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है, रियल नंबर। इसका मतलब रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। और क्यू सेट जो है हमारा ये क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू डैश, क्योंकि आर में क्या है, आर में आपका रेशनल नंबर भी है और इरेशनल, रेशनल भी है प्लस में इरेशनल भी है, और क्यू क्या होता है, ओनली रेशनल। इसका मतलब आपको इसमें से इसको माइनस करना है, मतलब एलिमेंट्स आपको इस सेट के लिखने हैं लेकिन जो कॉमन विद क्या हुआ है उसको कट कर देना है। तो कॉमन क्या है इसमें, रेशनल, रेशनल कॉमन है, तो कट करने के बाद क्या रह गया, ओनली इरेशनल नंबर। तो ये क्या आ गया हमारा, इरेशनल नंबर्स। तो आर माइनस क्या हुआ, आपका आंसर क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर्स। इट्स वेरी इजी। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।
नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 12। जस्ट आपको पता लगाना है ट्रू और फॉल्स, यदि और प्लस में क्या देनी है, उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी है, मतलब क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या कहा है, एक सेट ये दिया हुआ है, एक ये सेट दिया हुआ है, आर डिसजॉइंट सेट। और देखो सभी पार्ट्स में आपसे क्या पूछा गया है, डिसजॉइंट सेट। और डिसजॉइंट सेट्स की आपको कंडीशन पता है, यदि दो सेट का इंटरसेक्शन क्या हो, एम्प्टी हो। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी, देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। तो सबसे पहले कंडीशन लिख लीजिए, द कंडीशन ऑफ द डिसजॉइंट सेट इज व्हाट, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी, देन ए एंड बी आर कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट्स। बट यहां देखिए, यदि इस सेट को हमने ए लेट सेट मान लिया, इस सेट को बी लेट करा, तो हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, तो क्या रिजल्ट आता है, इसमें कॉमन एलिमेंट क्या मिल गया हमें, 3। इसलिए क्या हो गया, ये नॉट डिसजॉइंट, इसलिए डिसजॉइंट नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिख लेना और फिर बट करके इसका आंसर दे सकते हो। यहाँ देखिए, यहाँ इस सेट को ए लेट मान लिया, इस सेट को बी लेट कर लिया, फिर अगेन आप इंटरसेक्शन निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें ए कॉमन आ गया, इसका मतलब क्या है, अगेन आंसर इज नॉट। तो इसने कहा है कि ये डिसजॉइंट सेट है, तो हमें आंसर किसकी टर्म्स में देना है, ट्रू और फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट क्या आ गई, फॉल्स, और ये स्टेटमेंट भी क्या आ गई, फॉल्स। थर्ड देखिए, 2, 6, 10, 14, ये सेट हमने ए लेट किया, ये सेट बी, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए, ये आपके ओड नंबर है, ये आपके इवन नंबर है, तो कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये एम्प्टी आ गया। तो यस, ये क्या है, डिसजॉइंट सेट। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया आपका, ट्रू। नाउ यहाँ पे चेक करिए, ये भी ओड नंबर है 3, 7, 11, और ये भी क्या है 2, 6, 10, तो इसका अगेन रीजन सेम वही आ जाएगा, इक्वल टू एम्प्टी, यस, और स्टेटमेंट इज व्हाट, ट्रू। तो इसको पर्टिकुलर अच्छी तरह लिखेंगे अपनी फेयर नोटबुक में। तो ये था आपके एक्सरसाइज 1.4, आई होप आपको समझ आई होगी, तो प्लीज़ डू इट, कम्प्लीट योर एक्सरसाइज 1.4 इन फेयर नोटबुक। तो अब हम वेरी शॉर्टली वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.5। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड।